हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आई होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने प्रोग्रामिंग डी C++ को अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, सिंपल आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है C++ फ्री डाउनलोड। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो है ये ऑफिशियली सोर्स फोर्ज की, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है इसके लिंक पर। जैसे आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके जो इसका होम पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास शो होगा डाउनलोड का बटन, तो आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे 5 या 10 सेकंड लेगा आपके, और उसके बाद जो नीचे आपके पास डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा दूँगा कैसे आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड, ये देख सकते हैं नीचे जो है, सो फ्रेंड ये देख सकते हैं नीचे जो है डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ी देर में जो मैं आपको दिखा दूँ, ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे मेरे पास। और ये जो आपके फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा, जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट किया होगा, यहाँ पर आपको उसके राइट क्लिक करके जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद जो यहाँ से डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है सबसे पहले ये मे बी आपसे जो है लैंग्वेज मांगेगा। सो फ्रेंड, यहाँ से जो आपको ओके कर देना, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेट हुई भी। और फिर यहाँ पे अपना उसके बाद जो आई एग्री कर देना। जैसे आप आई एग्री करेंगे ये सब चेक हुए भी ऑटोमेटिक, आपको इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। फिर नेक्स्ट कर देना, और यहाँ से आपको अपना फोल्डर बता देना है जहाँ पे डाउनलोड करना है, और फिर इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ से जो आपके पास इंस्टॉलिंग होना शुरू हो जाएगी। अब जब मैं इसका थोड़ा सा पार्ट जो है आपको कट करके दिखा देता हूँ, जब इंस्टॉलिंग होने के बाद आपके उसका इंटरफेस होगा, तो इंस्टॉलिंग होने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर फिनिश कर देना है, और फिनिश होने के बाद जो है ये फाइल आपके पास जो है पहली बार जैसे हम ओपन कर देते हैं इस तरीके का आपके पास आएगा। आपको यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, ओके कर देना है। और ये जो C++ जो प्रोग्रामिंग है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप फाइल में जाके, न्यू में जाके प्रोजेक्ट वगैरह आपको जो काम करना है प्रोजेक्ट वगैरह में कर सकते हैं। क्योंकि सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके काम आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।